वाले हैं प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर। सर 51,000 पदों पर भर्ती के लिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं लोक शिक्षण संचालय। क्या हुआ है कि जो 11 सालों बाद भर्ती आई हमारी वर्ग के लिए, जिसने अभी तक पीईबी ने रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन विभाग ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि कितने पदों पर भर्ती कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी विज्ञापन जारी किया जाए और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की जाए। हमारी मांग 51,000 है। बाकी अब फिर पिछले साल जो हुई थी वर्ग 3 की, नहीं वो सर 2 साल पहले विज्ञापन आया था और 3 साल बाद उसका रिजल्ट आया और अब उसका रिजल्ट आया आ गया उसका रिजल्ट 11 साल बाद 12 साल बाद सर आगे नहीं बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ गई है सर, ना कोई पद आया। 3 साल पहले फॉर्म भरे थे, 3 साल बाद रिजल्ट। मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी पिछले साल जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट पिछले साल नहीं सर, अभी मैं बता रहा हूँ सर, 2011-12 में प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट 12-13 में आया था, 13-14 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो 11 का विज्ञापन है। उसके बाद ये 20-22 में हो रही है, यानी ठीक 10 साल से ऊपर 11 साल हो गई। अब उसका रिजल्ट 8 अगस्त को आया है, तो अभी शासन प्रशासन ने कोई पदों की घोषणा करी है, 7,500 की ऐसी घोषणा आएगी वो भी अभी पता नहीं है कुछ भी। तो हमारी मांग ये है कि 11 साल बाद जो परीक्षा हुई उसके बाद जो आप विज्ञप्ति में आप पद निकालोगे तो 51,000 पे भर्ती होगी। सर 11 में भी 24,000 पोस्ट खाली बनाया है सब ज्ञापन है सर, और मंत्री जी ने ये बोला है कि हर साल 3 से 4 हज़ार लोग रिटायर होते हैं। आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है? पदों की संख्या 51,000 होनी चाहिए, 11 साल बाद भर्ती हो रही है, मामा जी को ये बात माननी चाहिए। 125 पद।